सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम अपनी वर्कआउट सीरीज की नेक्स्ट वर्कआउट रूटीन शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज लेग का वर्कआउट करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चेस्ट लगा रहे हो तो आप चेस्ट में जैसे बेंच प्रेस लगा, पहले लाइट वेट के साथ 2-3 सेट्स लगा सकते हो, जिससे कि आपकी जो होल चेस्ट है वो अच्छे से वार्म अप हो जाए। एंड आप सेम सभी एक्सरसाइज सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज विक्रांत एंड यू आर वाचिंग फिट डायरीज। फ्रेंड्स, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप अच्छे से वार्म अप करें, ताकि आप जब भी एक्सरसाइज करो तो आपको किसी की तरह की इंजरी ना हो। मैंने ऑलरेडी एक वार्म अप रूटीन इस चैनल पे शेयर करी हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप वार्म अप नहीं करना चाहते या आपके पास वार्म अप करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप सिंपली जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, आप उसके स्टार्टिंग में लाइट वेट से 2-3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मसल है वो अच्छे से वार्म अप हो जाए। सो फ्रेंड, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो है स्क्वाट्स। सो अगर आपको अपनी लेग्स को डेवलप करना है, तो आप इस एक्सरसाइज को अपनी वर्कआउट रूटीन में जरूर ऐड करें। इट्स आल्सो माय पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप बारबेल को अपने बैक शोल्डर के ऊपर प्लेस कर लोगे, अपनी लेग्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट ओपन कर लोगे, जिसमें आपके जो फीट हैं वो स्लाइटली बाहर की तरफ आएंगे। उसके बाद हम स्लोली नीचे की तरफ जाएंगे एंड उसके बाद स्लोली ऊपर की तरफ आएंगे, जिससे आपकी लेग्स में एक आपको अच्छे सा स्ट्रेच एंड स्क्वीज फील हो। वन मोर इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, दैट कि आप इस एक्सरसाइज में जिम बेल्ट जरूर यूज़ करें एंड जो वेट है वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। सो इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट परफॉर्म करेंगे एंड हर एक सेट के बाद 60-90 सेकंड रेस्ट लोगे। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेग प्रेस। सो ये एक्सरसाइज हम मशीन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप एक मॉडरेट वेट के साथ ही स्टार्ट करें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी इंजरी ना हो। इसके बाद आप अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अप रखेंगे, मशीन को पुश करते हुए जो मशीन की सेफ्टीज हैं उसको आप मूव कर लेंगे। एंड देन आपको स्लोली मशीन को नीचे की तरफ आने देना है एंड फिर मशीन को आप ऊपर की तरफ पुश करोगे। बट ये ध्यान रखें कि आप जब आप मशीन को पुश करोगे तो आप अपनी लेग्स को स्ट्रेट नहीं करोगे, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। सो इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट परफॉर्म करेंगे एंड हर एक सेट के बाद 60-90 सेकंड रेस्ट लोगे। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेग एक्सटेंशन। सो इस एक्सरसाइज को भी हम मशीन के ऊपर परफॉर्म करेंगे। सो एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप सीट के ऊपर बैठ जाओगे एंड अपनी लेग्स को जो मशीन में पैड है उसमें फिक्स कर लेंगे एंड उसके बाद अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे एंड अपनी लेग को स्क्वीज करोगे एंड फिर आप स्लोली अपनी लेग्स को नीचे की तरफ लेके आओगे। सो आप इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट परफॉर्म करेंगे एंड हर एक सेट के बाद 60-90 सेकंड रेस्ट लोगे। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। सो इस एक्सरसाइज को भी हम मशीन के ऊपर परफॉर्म करेंगे। इसके लिए भी आप सीट के ऊपर बैठ जाओगे एंड अपने लेग्स को पैड के ऊपर फिक्स कर लोगे एंड उसके बाद अपनी लेग्स को आप नीचे की तरफ स्लोली जाने दोगे एंड अपने हैमस्ट्रिंग को स्क्वीज करोगे एंड फिर अपने लेग्स को ऊपर ले आओगे एंड हैमस्ट्रिंग में एक आपको स्ट्रेच मिलेगा। सो आप इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट परफॉर्म करेंगे एंड हर एक सेट के बाद 60-90 सेकेंड रेस्ट लोगे।
सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लंजिस। सो इस एक्सरसाइज को हम पहले एक साइड परफॉर्म करेंगे एंड फिर विदाउट एनी रेस्ट दूसरी साइड भी परफॉर्म करेंगे। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप अपने एक फुट को आगे रखोगे एंड एक फुट को पीछे रखोगे। उसके बाद आप लंजिस स्टार्ट कर दोगे, पर रिमेंबर कि जो आपकी नीज है वो आपके फुट के आगे ना जाए ताकि किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो। एंड जब आप नीचे जाएं तो मेक श्योर करें कि जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेट रहे, ना ज़्यादा आगे हो और ना ज़्यादा पीछे हो। एक सेट कंप्लीट होने के बाद आप इसको दूसरी तरफ भी परफॉर्म करोगे। एंड इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट परफॉर्म करेंगे एंड हर एक सेट के बाद 60-90 सेकेंड रेस्ट लोगे। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सुमो स्क्वाट्स। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप अपनी लेग्स को थोड़ा सा ओपन करते हुए एक पोजीशन ले लेंगे एंड फिर एक डंबल को अपनी चेस्ट के पास उठा लोगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। एंड उसके बाद आप स्लोली नीचे की तरफ बैठोगे एंड फिर स्लोली ऊपर की तरफ आओगे, जिससे कि आपकी लेग्स में एक स्क्वीज भी मिलेगा एंड आपको लेग्स में स्ट्रेच भी मिलेगा। सो इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट परफॉर्म करेंगे एंड हर एक सेट के बाद 60-90 सेकेंड रेस्ट लोगे। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सीटेड कैफ रेस। सो ये एक्सरसाइज हम इस मशीन पे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। सो इसको परफॉर्म करने के लिए पहले आप इस मशीन पे बैठोगे के बाद आप अपनी नीज के साथ इस वेट को लिफ्ट करोगे अपने एंड अपने कैफ्स को स्क्वीज करोगे। एंड जब आप इसको नीचे की तरफ जाने दोगे तो आप अपने कैफ्स को स्ट्रेच करोगे। तो अगर ये मशीन आपके जिम में अवेलेबल नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग कैफ रेस, इसको भी परफॉर्म कर सकते हो। सो आप इस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप एक हायर पोजीशन पर अपने फीट्स को प्लेस कर लोगे, जिसमें आप सिर्फ अपने हाफ फीट्स को उस पर प्लेस करोगे एंड फिर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे एंड काफ्स को स्क्वीज करने की कोशिश करोगे एंड फिर स्लोली नीचे की तरफ आने दोगे एंड अपने काफ्स को स्ट्रेच करोगे। सो जैसा कि आपको पता है कि हम ये बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप अपने शोल्डर्स के ऊपर ऐसे बारबल रख के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट परफॉर्म करेंगे एंड हर एक सेट के बाद आप 30-60 सेकेंड रेस्ट लोगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर देख सको। सो एज आई ऑलवेज से, कीप एक्सरसाइजिंग एंड ईट हेल्दी। माय नेम इज विक्रांत एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।